आप सबको मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सवेरे के सेशन में नहीं आ पाया था, लेकिन मैंने सुना कि किस तरह से हस्तशिल्प क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय प्रशासन एकजुट होकर के नए नए कार्यक्रम, नए नए स्कीम के बारे में आप लोग से बात की। मैं आज आया हूँ मुंबई से, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। प्रौद्योगिकी संस्थान में आपने IIT का नाम काफ़ी सुना होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन ये एक मौका हमारे लिए भी है कि हम दिखाएं कि हम बाकी क्षेत्र में जैसे हस्तशिल्प, कला और ह्यूमैनिटीज एरियाज में हमारा क्या रोल हम अदा कर रहे हैं और किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। मैम, कैन वी हैव द पीपल कम इन? केस स्टडीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पे हमने पहले क्राफ्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काम किया है और इससे हमने क्या सीखा है और कैसे हम हमारी जो सीखी हुई बातें हैं उसको उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज किया जाए, इसके बारे में मैं आपसे हमारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इसमें मेरे लिए आज 15 मिनट या 20 मिनट है, लेकिन मेरे को दिखाने के लिए काफ़ी सारा है। मैम से मैंने अभी अनुरोध किया था, उन्होंने बोला नहीं, लेकिन शेड्यूल बहुत टाइट है, तो मेरे पास 6-7-8 केस स्टडीज है जो मैं दिखाना चाहता था, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि कम से कम आपको इस बारे में पता चले, ताकि इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कशन कर सके। इसमें से कुछ है ओवरव्यू, जो हम लोग क्या करते हैं लाइवलीहुड सेक्टर में। दूसरा है, हमने जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एक पायलट शुरू किया उसके बारे में। उसके बाद हमने ओडिशा में और अन्य राज्यों में भी हमारा हस्तशिल्प का काम किया है। और ओके, अभी यह है IIT मुंबई। जैसे मैंने कहा, वहाँ पे रॉकेट बनते हैं, सैटेलाइट बनते हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है, वहाँ पे लोग के कम्युनिटीज डेवलपमेंट के लिए, फॉर द क्राफ्ट एंड डेवलपमेंट सेक्टर, हम लोग ने बहुत काम किया है। एक मैं छोटा सा आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा, उसके बाद मेरा PPT जारी रहेगा। का है, लेकिन इसमें आपको एक पूरा ब्यौरा मिल जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं लाइवलीहुड सेक्टर में। Thank you.
जैसा आपने देखा हम लोग का जो स्पेशलाइजेशन है वो कोई एक मटेरियल को लेकर के नहीं है. हम लोग का इंस्टीट्यूट का स्पेशलाइजेशन इज अक्रॉस मटेरियल इन द क्राफ्ट लाइवलीहुड एग्रो इकोनॉमी सेक्टर. जहाँ पे हम लोग वी लुक एट द एग्रो इकोनॉमी, वी लुक एट इको टूरिज्म, वी लुक एट वट एवर क्राफ्ट दैट जो क्राफ्ट इस सेक्टर के अंदर आ सकता है. तो आप तो पहले तो हम लोग ने इस सेक्टर में जब ही किया हम लोग तो प्रोडक्ट डिजाइनर है. प्रोडक्ट डिजाइन को लेकर के हमने शुरू किया कि प्रोडक्ट को डिजाइन को लेकर के कैसे क्राफ्ट्स में काम किया जाए. लेकिन हमने देखा कि डिजाइन को लेकर के आगे कुछ नहीं किया जा सकता, एकाध कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनता है. फिर हमने देखा कि इसको हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना जरूरी है. प्रोडक्ट सिर्फ बनाना अच्छा क्वालिटी एक बनाने से नहीं होता, उसको कैसे प्रोडक्शनाइज होगा, कैसे उसका बैच प्रोडक्शन होगा और टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट होगा. फिर हमने देखा दोनों करके भी हम लोग सफल नहीं हुए. हम दोनों करके सफल नहीं हुए क्योंकि हमने एक तीसरा आयाम जो लाइवलीहुड है उसको नहीं देखा. अगर हम लोग लाइवलीहुड में सक्सेसफुल होते हैं तो पहले के दो वैसे ही सक्सेसफुल हो जाते हैं. सो इसके बाद हमने देखा कि डिजाइन और टेक्नोलॉजी अगर करते हैं तो वो लाइवलीहुड अगर जब तक हम नहीं देखते क्राफ्ट्समैन के लाइफ में जो लाइवलीहुड या पैसा कमाने में जो इजाफा अगर नहीं कर पाए तो ना डिजाइन काम आता है ना टेक्नोलॉजी काम आता है. फिर हमने देखा इसके आगे कि कैसे हम ये करने के बाद हाउ टू पुट इट इन अ सोशल ऑर्डर. कि सोशल ऑर्डर जैसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और एक कल्चरल कैपिटल एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है जहाँ पे ये देखा जाता है कि कोई भी समुदाय है उस समुदाय की खासियत क्या है, उनका कैपिटल क्या है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ को देख करके फिर क्राफ्ट में वहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं. सो दैट इज अवर फ्रेमवर्क. इसमें हम लोग कई सारे और भी फ्रेमवर्क लाते हैं जैसे कि डिसेंट वर्क फ्रेमवर्क है यूएन का. डिसेंट वर्क फ्रेमवर्क ये कहता है कि कोई भी इंसान वो काम करने में इच्छा दिखाता है जिसमें उसको इज्जत मिले. जब तक हम काम में इज्जत नहीं ला पाते कोई भी लाइवलीहुड प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता. इसीलिए कई सारे हमने फ्रेमवर्क्स इसमें ला करके हमारे पायलट में इम्प्लीमेंट किया है जो कि हमको काफ़ी सक्सेसफुल उसमें हुआ है. उसके बाद प्रोडक्शन जिग्स मोल्ड्स एंड फिक्सचर्स, जैसे कोई प्रोडक्शन लाइन में अलग अलग मापदंड होते हैं वो सारे हमने क्राफ्ट में लाया है. कई बार क्या लगता है क्राफ्ट का आइटम है तो चलो छोटा मोटा है थोड़ा ये है चल जाता है, वो करने से क्या है प्रोडक्ट का कीमत नीचे आ जाता है. तो हमने क्या किया है वी मेड इट अ प्रोडक्शन लाइक एन इंजीनियरिंग लाइक अ टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन जिसमें क्राफ्ट को भी उसी तरह किया जाएगा. ये कुछ प्रोडक्ट्स हम मैं लाया हूँ आपसे, मैं अनुरोध करूंगा आने के बाद देखें. ये सारा प्रोडक्शन लाइन में होकर के यहाँ पर आए हैं. तीन चार पार्ट्स है, असेंबल हुआ, किसी ने पार्ट बनाया, किसी ने असेंबल भी किया, किसी ने फिनिशिंग किया, जैसे कि कोई भी कारोबार में होता है. सो ये एक हमारा काफी सक्सेसफुल मॉडल हमने किया है. मैं आपको दो तीन मॉडल जल्द से जल्द करता हूँ. जैसे मुंबई के अंदर हमारे यहाँ ट्राइबल्स भी है, मुंबई के अंदर एक जगह है जहाँ पे फॉरेस्ट है उसके अंदर ट्राइबल्स भी है. हमने उनके लिए काम करने का जब भी प्लान आया वी डिड नॉट गो, हमने जाके वहाँ पे सिर्फ क्राफ्ट शुरू नहीं किया. पहले वी डिड अ बेसलाइन स्टडी कि कौन से कितने फैमिलीज है, किसको क्या काम आता है, किसको क्या करने की इच्छा है. कई सारे लोग हैं उनका हर किसी को क्राफ्ट करना नहीं है, जिनको करना है उनकी काबिलियत को हमने परखा कैसे उनके पहले से क्या काम आते हैं और कैसा उनका सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसको लेकर के फिर हमने एक मॉडल बनाया. उसमें तीन चीजें हमने डिलीवरी करी है, उसमें लाइवलीहुड जिसमें डेली इनकम मिले और डेली इनकम में इजाफा हो, दूसरा है नए नए प्रोडक्ट्स बने, तीसरा है टेक्निकल. इसको लेकर के हमने बांस के साथ शुरुआत किया वहां पे. उसमें हमने साइंटिफिक प्रोसीजर्स लाए हैं, एंटी फंगल ट्रीटमेंट. बांस के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बाहर भी कई सारे बांस के प्रोडक्ट्स है, इसमें फंगस आता है, बोरर माइट आते हैं. बाद में जाकर के बेचने के बाद खरीदार 6 महीने के बाद बोलता अरे प्रोडक्ट तो जो था ठीक है, बांस ही बर्बाद है, बांस को गलत नाम मिल जाता है क्योंकि हम उसको ट्रीटमेंट नहीं करते. तो इस तरह की चीजें हमने सारी करी है. और उसके बाद मोल्ड्स एंड फिक्स्चर्स जो कि बहुत जरूरी है कोई भी प्रोडक्शन में स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन के लिए, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट करके ये सारे प्रोडक्ट्स हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करे हैं. कुछ प्रोडक्ट्स में अगेन आप देखोगे क्वालिटी किस तरह से क्वालिटी है, मापदंड है, स्टैंडर्ड है. तो इसको मैं वापस आपको अनुरोध करूंगा कि जब तक आप हाथ में लेकर के नहीं देखोगे आपको मतलब मैं जो कह रहा हूँ उसकी पूरी यू विल नॉट बी कन्विंस. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट वी मेड विद ओनली वुमेन. आई एम रनिंग थ्रू इट बिकॉज टाइम नहीं है.
पर सिर्फ क्राफ्ट न करके हमने उसमें टूल्स डेवलपमेंट में भी इन्वेस्टमेंट करा, क्योंकि कोई भी क्राफ्ट को करने के लिए उसके लिए स्पेसिफिक टूल्स एंड मशीनरी की जरूरत होती है। ये हमारा ऑफिस था वहां पर, पाड़ा के अंदर ऑफिस कम सेंटर, ये हमारे लोग काम करते थे, ये हमारा सेकेंड ऑफिस है। दीज आर आवर प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स को लेकर के हमने मुंबई में सेल किया है। इंस्टीट्यूशनल बायर्स हमको आते हैं, वहां से खरीदते हैं इन लोग से। दिस इज द पायलट विच हैज बीन फेयरली सक्सेसफुल फॉर अस। हम कैसे एक प्रोडक्ट को लेकर के कंप्लीट उसका मॉडल बनाते हैं, कैसा काटा जाए, कैसे बनाया जाए, ये उसका फिर ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। हमको लगता है वो सिर्फ जो बाहर बाजार में खरीदते उस बॉक्स में आना चाहिए। हर प्रोडक्ट जो है क्राफ्ट प्रोडक्ट, जब तक वो ब्रांडिंग पैकेजिंग में जाकर के नहीं निकलेगा, तब तक बनाने वाले को उसकी कीमत कभी नहीं मिल पाएगी। बनाने वाला सिर्फ ये कीमत देखेगा, मैंने 2 दिन काम किया, मुझे 200 मिला के 350 चाहिए बस। लेकिन ब्रांडिंग पैकेजिंग करने से प्रोडक्ट रिपोजिशन होता है, और ये हमने वहां पे करके दिखाया है। दिस इज द इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट दैट वी हैव बीन डूइंग। देन वी हैव ऑल्सो बीन डूइंग प्रोडक्ट्स विच आर स्टैकेबल। स्टैकेबल मतलब जो हमारे फर्नीचर होते हैं वो फोल्ड होते हैं, बेंड होते हैं, असेंबल होते हैं, तो उसको हमने बास में लाया है यहाँ पर। ये हमारा डोकरा है, डोकरा क्राफ्ट है, जो ढेंकनाल उड़ीसा में हमने किया है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है ये ढेंकनाल, बहुत ही दूरदराज एरिया है, वहां पे जाकर हमने ये इस तरह से किया जाता है। अभी भी बहुत ट्रेडिशनल वर्क है, हाईली हाई क्वालिटी है। बट हमने क्या किया इसमें, हमने इसको डिजाइन की तरह से स्टडी किया कि कैसे नए प्रोडक्ट्स बाजार में ला सकते हैं। प्रोडक्ट्स जब एक तरह का प्रोडक्ट्स ज्यादा लोग बनाते हैं तो उसका कीमत एक सीलिंग आ जाता है, उसके बाद उसका नहीं बढ़ पाता है। सो वी हैव टू मेक मॉडर्न कंटेम्प्रेरी प्रोडक्ट्स विच हैव अ हायर सेल इन द मार्केट, इसको लेकर के हमने किया है। देन इसको हमने री इंजीनियरिंग करी, इसमें कैसे, इसमें कोर, इसमें थोड़ा मेटलर्जी आता है, थोड़ा थर्मल साइंस आता है, इसको लेकर के हमने स्टेबलाइज किया कैसे एक चीज को बार बार यूज कर सकते हैं। एंड देन वी मेड न्यू प्रोडक्ट्स आउट ऑफ देम। नाउ दीज आर द न्यू मार्केट प्रोडक्ट्स। जब ये बनने लगा तो ट्रेडर्स आकर के लगे हाथ वहीं पे कहने लगे, हमको ऑर्डर दे रहे हैं, हमको बनाकर दीजिए। तो ये हमारा, हमने कभी ये नहीं बोला कि डिजाइन दुनिया को बदलता है। डिजाइन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ लाइवलीहुड जब जुड़ेगा तभी ये कम्युनिटी में कुछ चेंज ला सकता है। एंड दिस वी हैव बीन एबल टू डू इन ढेंकनाल। वी आर वर्किंग विद द कलेक्टर ढेंकनाल टू हैव इट एज अ स्कीम फॉर द एंटायर कम्युनिटी ओवर देयर। दिस वाज अ पायलट। फिर ये हमारा इंटरनल R&D है IIT के अंदर, कैसे नारियल के शेल को लेकर के हम लोग कटलरी बनाए। ये देखिए, इसको भी हमने पूरा डिजाइन को लेकर के इंजीनियरिंग के स्तर पर इसको स्टडी किया है, उसके अलग अलग बना करके। फिर वी मेड ट्रायल मॉडल्स, प्रोटोटाइप जिसको इंजीनियरिंग में कहते हैं, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग में प्रोटोटाइप का टेस्टिंग किया है। इसको हजार बार गिरा के देखा है तोड़ने के लिए कि कब टूटता है। जो कार में टेस्टिंग होता है, कार क्रैश होता है तब उसको पता चलता है कब तक ये कार चलेगा, इसी तरह हमने इसका भी टेस्ट किया है। उसके बाद हमने ये नया रेंज बन, इसके लिए स्पेसिफिक टूल्स डिजाइन करी है हमने कि कैसे उस प्रोडक्ट को अच्छे से बनाने के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। नाउ वी आर एबल टू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ सेल। पीपल हु सी दिस, जो लोग ये देखते हैं, जस्ट दे आर विलिंग टू गिव ऑर्डर्स। दे कीमत नहीं पूछते, दाम नहीं पूछते, दे आर विलिंग टू गिव ऑर्डर्स। नाउ दैट इज द पावर डिजाइन टेक्नोलॉजी एंड लाइवलीहुड कॉम्बिनेशन हैज इन ब्रिंगिंग पीपल टू प्रोड्यूस सच स्टफ। आई हैव द सैंपल्स अगेन। ये देखिए, इसका कंप्लीट हम मैनुअल बनाते हैं, जैसे कोई भी मशीन के लिए बनता है। पार्ट ABC है, जुड़ते हैं, असेंबल होता है। फिर है ये लैंप, ये लैंप आप देख रहे हैं, ये भी यहीं का प्रोड्यूस है। किस तरह टेक्नोलॉजी, हमने फिर सोचा लैंप तो बनते हैं, लैंप का नया मार्केट में सिर्फ LED यूज होता है, तो LED लैंप्स को लेकर के हमने वापस से पूरा नया डिजाइन किया है, री इंजीनियरिंग करी, उसके लिए टूल्स बनाए, कैसा इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा वो सेटअप किया है, फिर ये हमने अभी लैंप्स बनाए हैं। नाउ दीज आर हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स। हम ये भी बोलते हैं कि ये हम एक एक्सक्लूसिव मार्केट के लिए रखेंगे, प्रीमियम मार्केट रहेगा। जैसे HDFC से सर कह रहे थे कि वो एनेबल करेंगे, सारा प्रोडक्ट जाके बिकेगा, बहुत अच्छी बात है, दैट इज वेलकम। बट जब तक क्वालिटी नहीं है प्रोडक्ट में, कोई खरीदेगा नहीं है। और क्वालिटी जब होगा, देन सच फैसिलिटेशन विल बी डबली हेल्पफुल, कि कोई आपको सब्सिडाइज ट्रांसपोर्टेशन दे, कोई कुछ और दे। बट जब तक क्वालिटी नहीं है, तब तक वो बाजार, मतलब ग्राम के बाजार में ही बिकने का उसमें क्वालिटी रहेगा। नाउ दिस इज इंटरनेशनल लेवल क्वालिटी जो हम कहते हैं।
इसमें हमने न केवल बांस वुड यूज किया है, वुड है, बैम्बू है, कंक्रीट मोल्डिंग यूज किया है यहाँ पे. दिस इज वेयर द प्रोडक्ट बिकम्स अ न्यू प्रोडक्ट जिसमें कई तरह की खासियत है, कई तरह की स्पेशलिटीज है. तीसरा, हमने डिजाइन में हाथ ना लगा करके यहाँ पे उड़ीसा में हमने देखा सिर्फ वहां पे घास है तो, और वो मार्केट नहीं बनता था, वहां की जो महिलाएं थी झाड़ू बनाती थी, 5.5 किलो की झाड़ू बनते थे और बड़े होते थे. अर्बन मार्केट में इनका कोई सेल नहीं होता था, 45,000 झाड़ू के घास पड़ा था. हमने वहां गए तो व्हाट वी डिड इज वी जस्ट डिड अ सर्वे विद इन मुंबई कि क्या स्टडी रहता है, क्या साइज रहता है. हमने देखा 350 ग्राम का जो झाड़ू होता है वो सही रहता है मुंबई अर्बन मार्केट्स के लिए, और उसके लिए प्लास्टिक हैंडल चाहिए. तो हमने इन्वेस्ट किया प्लास्टिक हैंडल मुंबई इंडस्ट्री के साथ मिलके, 1000 झाड़ू के हमने इन्वेस्ट किया है प्लास्टिक खरीद करके, वहां पे असेंबल करा करके वी मेड मार्केट ग्राफिक्स पैकेजिंग एंड वी सोल्ड दीज 1000 ब्रूम्स इन मुंबई मार्केट ओनली एज अ इनिशिएटिव. एंड व्हेन वी गॉट द जो नेटवर्क मिला है वो हमने हैंड ओवर किया है कम्युनिटीज को ताकि वो नेटवर्क में यूज किया जाए. नाउ आई एम कमिंग टू जेनेरिक मोड्स जो आम तौर पे जो हमारे यहाँ पे, या हमने भी ये करी है पहले गलतियां, कि मैं अपनी गलती का स्लाइड दिखा रहा हूँ, ठीक है. बहुत बहुत जगह हमने बहुत सारा काम किया है. दिस वॉज विथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. गलत इसमें कोई नहीं था, हर कोई इसमें अच्छा सोचने वाला था. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा था, हम भी कर रहे थे, लेकिन कोई इसको आगे ले जाने वाला नहीं रहता. स्पॉन्सरिंग एजेंसी होती है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी. अभी हम ये करते हैं और इसीलिए मैं आपको ये स्लाइड दिखा रहा हूँ. ये सारा हमने उत्तरांचल सितारगंज में काम किया है 10 साल पहले विद फाइबर बोर्ड. यहाँ पर भी हमने ट्रेनिंग दी है. सारा आपका बाहर बैम्बू के प्रोडक्ट्स पड़े हैं, पट्टी के काम पड़े हैं. ये हमने त्रिपुरा में ट्रेनिंग दिया था 2003 में, जब हम NID के थ्रू वहाँ पे प्रोजेक्ट किए थे, पट्टी बेस्ड प्रोडक्ट्स के वहाँ पे ट्रेनिंग दिए थे. वहाँ के जो कारीगर है निकल के पूरे भारत में गए. उत्तरांचल में हमने कुछ भेजा, कोंकण में कुछ भेजा, केरला में कुछ भेजा. वो सारे अभी उस तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, बट हमें क्वालिटी के बारे में सोचना पड़ेगा. हाँ, उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि सिर्फ कह के क्वालिटी नहीं बनता है कि अच्छा बनाओ अच्छा बनाओ, वो भी तो इंसान है, उनको ट्रेनिंग नहीं देते हम, उसको सेंसिटिविटी नहीं देते हैं, फिर हम कहते हैं इसको ट्रेनिंग में बनाओ. फिर हमने क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप किया है. ट्रेनिंग मॉड्यूल में कैसे कैसे कौन कौन सा स्किल आना चाहिए, कौन सा इसमें ट्रांसफरेबल स्किल आना चाहिए, कि आज को मैंने ये स्किल सीखा है लेकिन मुझे कहीं और भी काम करना है, तो वो स्किल हमें को जीरो नहीं बनाना चाहिए. आज मैं बांस में काम कर रहा हूँ, कल बांस नहीं है, तो माई स्किल शुड नॉट बिकम जीरो. तो उसमें हमने ये किया है कि वी विल गिव वी ऑल्सो डू अदर स्किल्स, ताकि वो जो कारीगर है वो कई अन्य तरीके के काम भी कर पाए अलॉन्ग विद दैट मटीरियल स्किल. सो दिस इज वी आर डूइंग विद गोंदवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली, वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का यूनिवर्सिटी है. वहां पे हमने 1 ईयर क्राफ्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम का डिप्लोमा प्रस्तुत किया है, उसका पूरा सिलेबस हमने बना करके 2020 जुलाई में ये प्रोग्राम वहां पे इट विल बी लॉन्च. इट इज गोइंग थ्रू द सेनेट नाउ. सम ऑफ द इमेजेस जो इसमें कवर हुई थी वो मेरे फिल्म इनिशियल वीडियो में दिखाया था मैंने. Many dignitaries were not present. I would be happy to show you to you again separately because I would be taking additional time. So ये सारा उसमें cover हुआ है. So now we look at transferable skills, entrepreneurship, design creativity and sector specific. वो bamboo हो या fiber हो या leather हो या dokra हो, वो अलग रहता है, ठीक है. Along with that we make them, we give them a personality skill as well, so that they get into other training centers, own enterprise, schools, craft instructors, NGOs. Now, this is the kind of overall training we give. We make them material, we make them draw, we make them sketch. Then we give them manuals, how to read a drawing. मेरे को ये बनाना है, मैं आपको drawing दूंगा. आज की हालत में कोई बैठ के बनवाता नहीं है, sketch देता है और कहता है ये बनवाइए. Now, this is the overall model. Dignitaries that we have been able to make, जिसमें training capacity building रहता ही रहता, but we have to have banking and microfinance. Unless we are able to engage them or financially inclusive हम नहीं बना पाते, they are going to live only on the margins. मैं ये कह रहा हूँ, जब तक हम हमारे communities को पैसे के हिसाब से सक्षम नहीं कर पाते,
बैंकिंग से नहीं जुड़ा पाते वो वैसे ही रोजमर्रा के इसमें लगे रहेंगे जहाँ पे पैसा का किल्लत इसका किल्लत होते रहेगा एंड दैट इज वन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर मॉडल अपार्ट फ्रॉम मार्केटिंग एंड ऑल ऑफ दैट. Now, now we are looking at integrated change. We are bringing in. इसके इससे क्या हो रहा है इस सारे काम से? We are getting a new skill cadre. We are getting livelihood augmentation. अपने काम में इजाफा मिल रहा है. Earning capacity हो रहा है. Economic empowerment, human development, positive youth engagement हो रहा है. हमने देखा जहाँ भी हमने ये models किए हैं, लोग वहाँ पे थोड़ा positivity आई है. पहले लोग ऐसे उदासीन रहते थे, ये नहीं है, वो नहीं है. काम मिलने से काम करने में खुश होते हैं और वी आर एबल टू ऑल्सो टू अ फेयरली गुड एक्सटेंट एड्रेस द रूरल माइग्रेशन प्रॉब्लम. जहाँ पे अगर गांव में काम मिल रहा है लोग बना रहे हैं तो उनको शहर में जबरदस्ती जाके डेली वेज वेकर पत्थर तोड़ने का जरूरत नहीं पड़ रहा है. नाउ हमारे ये सारे लर्निंग्स को हमने ला करके वी आर डूइंग अ करंट वर्क एंड दैट इज वेरी रेलिवेंट टू अ हिल टू रिसोर्स रिच एंड अ हिली स्टेट लाइक उत्तराखंड जहाँ पे एक्सपीरियंशियल क्राफ्ट एग्रो इको टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है. ये हम एक महाराष्ट्र में कर रहे हैं बट सिंस आई केम हियर आई थॉट दिस वुड बी अ वेरी रेलेवेंट रोड अहेड फॉर पॉलिसी मेकर्स फॉर विजनरीज इन दिस स्टेट टू लुक एट. जहाँ पे वी जब हम क्राफ्ट की बात करते हैं जब सारा इकोनॉमी उस गाँव का विलेज काम नहीं कर रहा क्राफ्ट अपने आप में काम नहीं कर सकता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट हैज टू बी लुक्ड एट the farm, the agro, the craft economy, and with a tourist potential state like this, we have to look at tourism. These are the various components of three points of the concept: agriculture, exposed tourists, and educate an active participation and involvement. This is a potential plan. जहाँ पे लोग आएंगे इसमें देखेंगे हमारे उत्तराखंड के crafts में दखल देंगे काम करेंगे. सो दिस इज दीज आर मॉडल्स वेरी सक्सेसफुल मॉडल्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया. ऑफ कोर्स उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म बहुत हो रहा है बाकी जगह भी हो रही है बट इको टूरिज्म लिंक्ड विद क्राफ्ट एंड एग्रो टूरिज्म इज अ ग्रेट पोटेंशियल. इसमें फूड भले ही वो वहां पे मैंने मुंबई का खाना लगा दिखाया है बट इट कैन बी अ लोकल क्विजींस एंड लोकल स्टेज. Yeah, I think I've taken enough. Sorry for the delay, ma'am. And thank you for your patient hearing. My presentation is over.